अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम विज़िट करेंगे ये 5 मरला हाउस पैरियटन लाहौर। इसकी लोकेशन है और बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। ग्रे थीम में और ऑफ वाइट थीम में से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ टेक्सचर रॉक वॉल है और बिल्कुल सामने ये विंडो है और इसके साथ ये टाइल का पैच दिया गया। बहुत ही खूबसूरत आउटडोर लाइट्स दी गई हैं और ये इसका लेफ्ट साइड पर इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया और ये व्यू कर सकते हैं। टेरेस को फ्रंट से कवर्ड किया गया ऑफ वाइट और कलर में टाइल वर्क हुआ है, यहाँ पर ब्रास वर्क हुआ है। तो ये इसका इस तरह इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया। ये इसकी फ्रंट वॉल आप व्यू कर सकते हैं, इसे भी फुली टाइल वर्क के साथ कवर्ड किया गया और ये इसमें आउटर लॉन दिया गया। ग्रास एंड स्टॉल है ऑर्गेनिक और ये इसमें रैंप का व्यू, ये गैराज का व्यू, गैराज में आप व्यू कर सकते हैं। आपकी एक बड़ी गाड़ी यहाँ इजिली पार्क होगी बिल्कुल सामने इंट्रेस्ट के साथ। लेफ्ट साइड पर बहुत ही खूबसूरत ये वॉल डिज़ाइन की गया, टाइल वर्क है यहाँ, ग्रास वर्क है और ये आप देख सकते हैं लिस्ट दी गई है। मोज़ेक वर्क है बिल्कुल सामने ये मेन डोर और इंट्रेस्ट के साथ राइट साइड पे ये फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है। 5 फीट गली दी गई है, वाटर यूनिट दिया गया और ये इसमें विंडो दी गई है, कॉर्नर विंडो दी गई है, ड्राइंग रूम की विंडो है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, तो बिल्कुल सामने ये इसका मेन डोर है, राइट साइड पर ड्राइंग रूम का डोर है। ड्राइंग रूम के डोर से हम इंटर होंगे और ये आप व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, बिल्कुल सामने ये बुक मैच टाइल यूज़ की गई है, लेज वॉल दी गई है, फायरप्लेस है, ग्लोब या इंस्टॉल है, वॉलपेपर है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है, ये इसमें वाइडर विंडो स्पेस है, कटर इसमें यूज़ किए गए हैं, अभी हमने बाहर से विजिट किया विंडो ये। और ये इसमें टाइल वर्क का व्यू कर सकते हैं ड्राइंग रूम में। और ये इसका लिविंग एरिया बिल्कुल सामने, ये आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम से इसके लिविंग एरिया की तरफ व्यू। इसे आप कर्टन यूज़ करके या वुडन वॉल से इसे सेपरेट भी कर सकते हैं ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया से। लिविंग एरिया में बिल्कुल सामने ये निश दी गई, आइटली की गई है यहाँ और ये इसमें मीडिया वॉल आप देख सकते हैं। वुडन प्लैंक्स दिए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत बॉक्सेस दिए गए हैं, एलईडी यूनिट दिया गया और फुली वॉल को डिज़ाइन किया गया है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, शैंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड में 2x4 की टाइल यूज़ की गई है और ये इसमें ड्राइंग रूम का व्यू। ये मैं आपको एक इसका फुली हॉल का कम्प्लीट इस साइड से आप व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसमें कलर थीम रखा गया है, डबल यूनिट घर है ये। ये स्टेज दी गई है, स्टेज के साथ ये पाउडर रूम है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम है, इसके साथ किचन स्पेस है। तो पहले हम इसका किचन विजिट करेंगे और ये आप व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अकोमोडेशन दी गई है इसे, ये किचन कैबिनेट आप देख सकते हैं, बर्नर हुड या इंस्टॉल है, सिंक, ये विंडो, ये डोर दिया गया जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो गए और ये सिग्नेचर के बेकिंग ओवन, माइक्रो ओवन या इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पर टाइल वर्क है। तो ये इसके किचन एरिया की डिटेल है, सीलिंग डिज़ाइन, एग्जॉस्ट या स्टोर है। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये बेडरूम डिज़ाइन किया गया और अगेन आप व्यू कर सकते हैं जो इसकी अकोमोडेशन है, कलर थीम है और बहुत ही खूबसूरत डिसेंट इसे लुक प्रोवाइड की गया है। सीलिंग डिज़ाइन में फैन की इंस्टॉल है, ये बेड साइड वॉल है, कोशिश किया गया इसे और वुडन कॉलम दिए गए यहाँ और ये ग्लास पैनल यूज़ किया गया, ग्लोब या इंस्टॉल है, वॉलपेपर यूज़ किया गया, बिल्कुल सामने ये विंडो है और ये इसमें कंसील वार्डरोब दी गई है। सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इसका ग्लास पैनल दिया गया है और ये इसमें वॉशरूम का व्यू बिल्कुल सामने, वैनिटी, इलेक्ट्रिक मिरर और अगेन बुक मैच टाइल यूज़ की गई है यहाँ पे, फुली टाइल कवर्ड इस वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया शावर सेट। सीलिंग डिज़ाइन, कंसील्ड कमोड एरिया, तो इस तरह जो है इसका वॉशरूम डिज़ाइन किया गया है। ये हम वापस आ गए हुए हैं इसके बेडरूम में, ये इसके बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पर टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, ये बेडरूम, किचन स्पेस और ये इसका लिविंग एरिया हमने विजिट किया। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू, इस तरह इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान किया गया, ये हम फुली विजिट कर चुके हैं। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे, इससे पहले ये स्टेज के साथ पाउडर रूम दिया गया, ये इसमें डोर दिया गया है, यहाँ पर भी ये निश डिज़ाइन की गई है और स्टेज स्टेप पर ग्रेनाइट दिया गया, लाइट्स दी गई हैं या रूफ लाइट्स यूज़ की गई हैं और ये रेलिंग में स्टील वर्क हुए, वॉलपेपर यूज़ किया गया इस वॉल के साथ, बिल्कुल सामने ये निश दी गई है। और ये हम ऊपर आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे इसके लिविंग एरिया में, बिल्कुल सामने मीडिया वॉल आप व्यू कर सकते हैं, वॉलपेपर है या ग्लोब या इंस्टॉल है। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पर 2x4 के टाइल यूज़ की गई है। फ्रंट साइड पर एक बेडरूम दिया गया, एलिवेशन वाली साइड पर टेरेस दिया गया, ये टेरेस का डोर है और ये इसके लिविंग एरिया का व्यू, ये स्टेज साइड है और बैक साइड पे एक बेडरूम है, इसके साथ ये किचन एरिया दिया गया। तो पहले हम इसकी बैक साइड विजिट करेंगे,
ये आप व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर में ये है। शीट यूज़ की गई है, कैबिनेट में बर्नर हुड या इंस्टॉल है, बोर्ड के साथ टाइबर कप देख सकते हैं, एग्जास्ट सीलिंग डिज़ाइन, ये सिंक बिल्कुल सामने विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये बेडरूम डिज़ाइन किया गया, बिल्कुल सामने डबल विंडो है जो इसकी बैक गैलरी की तरफ ओपन होगी। ये बेडशीट वॉल है, वुडन प्लैंक्स दिए गए यहाँ पे, वॉलपेपर है, ग्लोब या इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क आप व्यू कर सकते हैं। ये इसमें एलईडी यूनिट, ये वार्डरोब दी गई है, ये इसमें वॉशरूम एरिया, बिल्कुल सामने वैनिटी मिरर, शावर सेट और ये फुली टाइल कवर्ड इसे डिज़ाइन किया गया है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, एग्जास्ट या इंस्टॉल है, मुझे व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है टाइल वर्क हुआ है। यहाँ कमोड या इंस्टॉल है, ये इसमें विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। तो ये इसके वॉशरूम की डिटेल थी। ये हम वापस आ गए हैं बेडरूम में, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, बैक साइड पे बेडरूम दिया गया और ये किचन स्पेस, ये बैक साइड हम फुली विजिट कर चुके हैं। अभी हम इसकी फ्रंट साइड विजिट करेंगे। तो फ्रंट साइड पे ये सेकंड बेडरूम दिया गया, इसके साथ ये टेरेस का डोर है। तो पहले हम इसका ये बेडरूम विजिट करेंगे। बिल्कुल सामने ये बेड शीट वॉल है, वॉल पेपर है, यहाँ वुडन वर्क है, ग्लोब या इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन और ये बिल्कुल सामने विंडो है जो इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है बाहर से। बेड साइड वॉल के सामने एलईडी यूनिट और ये इसमें वॉशरूम, वॉशरूम से पहले ये वार्डरोब दी गई है और बहुत ही खूबसूरत इसमें ब्रॉड वैनिटी दी गई है। मिरर आप देख सकते हैं, फुली टाइल वर्क है, या शावर सेट ये इंस्टॉल है, कमोड ये इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन और वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है। ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये टेरेस दिया गया, टेरेस में विंडो दी गई, डबल डोर दिया गया यहाँ और ये आप देख सकते हैं फुली टाइल वर्क है, वाटर यूनिट दिया गया, ये इसमें विंडो दी गई, ये ऊपर टॉप है, ममटी का व्यू है। अभी लास्ट में हम इसके ममटी व्यू करेंगे। तो ये इसके फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर के साथ ऊपर आती है, बैक साइड पे बेडरूम है, किचन स्पेस और फ्रंट साइड पे बेडरूम और ये टेरेस दिया गया और इसके साथ ये इसके लिविंग एरिया का व्यू। तो इस तरह इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान किया गया। अभी हम इसकी छत और ममटी विजिट करेंगे। इस घर के ग्रैंड मस्जिद के बिल्कुल नियर टू इसकी लोकेशन है और ये इसमें मल्टी में स्टोर रूम दिया गया, बिल्कुल सामने वॉशरूम है, ये विंडो दी गई है। ये वॉशरूम का व्यू, ये इसमें मेन छत का डोर, मार्बल वर्क हुआ है इसकी छत पे फुली और ये आप व्यू कर सकते हैं, 100% डेवलप ब्लॉक है ये, इंतहाई मुनासिब इस घर की डिमांड है, रेट है 265 इस घर की डिमांड है। जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, हम से रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।